अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज ही मैं जा रहा हूँ किसी काम से फैसलाबाद। तो गाड़ी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा गंदी है, ये इसी तरह खड़ी रहती है। तो इसका कवर है तो कवर हम डालते नहीं हैं, तो ये गंदी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो अभी इसे साफ़ करने लगा हूँ, तो फिर इंशाल्लाह फैसलाबाद चलते हैं। तो वहाँ जाकर बताते हैं किस काम से आए थे हम। तो जी ये आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नैरो स्पेस है। तो ये भी मेरी बाइक खड़ी है, ये भी बाइक खड़ी है और ये भी बाइक खड़ी है। तो और दरमियान में गाड़ी फंसी खड़ी है, उधर भी जगह नहीं है। तो यहाँ पे साफ़ तो नहीं होगी, पहले मैं बाइक निकाल लूँ तो फिर इसे साफ़ करते हैं। तो गाड़ी जी साफ़ हो गई है बिल्कुल, मैंने चमाचक छकाचक तो फटाफट साफ़ कर दी है। तो अभी आपको भी दिखाता हूँ कैसे चमक रही है हमारी गाड़ी। तो कैसी लगी आपको? चमक रही है ना, साफ़ सुथरी गाड़ी है। ये वैसे हमने रखी है छोटे मोटे कामों के लिए। तो हफीज़ भाई आ गए, ये बताते हैं आपको कैसे गाड़ी चमक रही है ना। कितनी ज़्यादा चमक रही है, हैं बताओ इधर, तो बताओ कैसी चमक रही है। कैमरे में आपको पता नहीं चलेगा, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा चमक रही है इस वक्त। तो ये शाइन देखें मारी है, यहाँ से शाइन भी आ रही है। तो ये गाड़ी हमने छोटे मोटे कामों के लिए रखी है। लेने को तो हफीज, हम लैम्बोर्गिनी भी ले सकते हैं, मसला खड़ी करने का नहीं है, पैसे का पैसा नहीं है। तो जी हम फैसलाबाद पहुंच चुके हैं। तो मेरे साथ मुजम्मल भाई भी आए हुए हैं। मुजम्मल भाई हाय करते हैं, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, जबरदस्त। तो कहाँ जा रहे हैं अभी हम? गैलरिया। हम जी गैलरिया वहाँ जा रहे हैं। तो वहाँ पे मिनी शॉप पे 20% सेल लगी हुई है, तो कोई छोटी मोटी सी चीज़ें लेनी है हमने, तो वो लेने आए हैं। और गैलरिया माल काफ़ी देर हो गई थी नहीं आए, तो थोड़ी सी सैर वगैरह भी कर लेते हैं। और मुजम्मल भाई आज पिज़्ज़ा खिलाने लगे मुझे। ये नहीं दिखाते, पिज्जा दिखाना है, पिज्जा दिखाना है। तो अभी हम जा रहे हैं, तो फिर जब वहाँ जाके फिर चीज़ें लेके फिर आपसे मिलते हैं। तो अभी हम गैलरिया मॉल की जो पार्किंग में जा रहे हैं, तो पार्किंग इस तरह है जैसे बंदा नारायण का गांधी आ जाता बाबू सर टॉप, तो उसी तरह की इसी उतराई है, चढ़ाई भी उसी तरह की है। तो यहाँ पे AC वगैरह जो चिलर वगैरह चल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भी आ रही है उनकी। तो अभी हम पार्किंग में जाके गाड़ी पार्क करते हैं। अभी मैं और मतलब भैया आ चुके हैं गैलरिया मॉल। तो यहाँ पे हम बैठ गए हैं पिज़्ज़ा खाने के लिए, ऑर्डर दे दिया है रेगुलर पिज़्ज़ा का। तो जो चीज़ें लेनी थी वो भी ले ली है हमने मिनी शॉप से। तो अभी यहाँ पिज़्ज़ा खा के फिर निकलते हैं हम बाहर, फिर देखते हैं कहाँ पे जाना है। तो मतलब भाई कैसा लग रहा है यहाँ पे? वैसे उन्होंने ना मैं अंदर आने नहीं देना था, वैक्सीनेशन की काफ़ी ज़्यादा ना हो गई है सख्ती,
तो मैंने और दमन भाई ने वैक्सीन कोई नहीं लगवाई हुई, तो अभी इंशाल्लाह जाके फिर हम करते हैं कोई वैक्सीन वगैरह, कोई डोज लगवाते हैं पहली दूसरी। तो अभी पीला काट दिया, अभी लगेंगे 15 मिनट पीला खा के फिर जाते हैं। मुजम्मल भाई मस्तियाँ कर रहे हैं यहाँ पे, मस्तियाँ कर रहे हैं भाई। टिकटॉक नहीं बन रही, हाँ तो पिज़्ज़ा खा के जी वापस हो गए हैं, और ये भी ले लिया साथ। अभी देखते हैं कहाँ जाना है आगे, इधर से है तो एंट्री उधर से होती है, एग्जिट एग्जिट इधर से होती है। गाड़ी हमने सामने खड़ी कर ली थी अपने। अच्छी सी बड़ी तेज हवा चल रही है, मौसम अच्छा हो गया अभी तो। मुजम्मल भाई की जो पेशेंट हुई थी वो ठीक साबित होती नजर आ रही है, बादल भी आ गए हैं। मुजम्मल भाई दिखा तो दे जरा इनको बादल भी। अभी हम जाने लगे वापस। तो हम आ चुके हैं जी वापस फैसलाबाद से, तो तकरीबन हम जल्दी पहुंच गए थे। तो आगे फिर मैंने एक्सरसाइज की है, तो एक्सरसाइज करने के बाद मैं वीडियो एडिट कर रहा हूं अभी, तो तकरीबन हो गई है, तो अभी डाल देनी इंशाल्लाह। तो ये शूज़ थे, आपको पता नहीं नजर आएंगे कि नहीं, तो ये एक वीडियो है मेरे पास पड़ी हुई है स्कर्टों की, तो वो भी आपको दिखाएंगे, वो शॉप दिखाएंगे आपको, और वहाँ पर कौन कौन सी वैरायटी पड़ी है वो सारी आपको वैरायटी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप रिकॉर्ड करेंगे। तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपको आज की वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को करें लाइक, और इसे अपने दोस्तों के साथ करें शेयर। तो आजकल जो कमी हो रही है कंटेंट की, तो इसकी वजह से वीडियोस नहीं आ पा रही। तो मैंने जो पिछली वीडियो डाली थी तो वो अनटोल्ड स्टोरी थी जो मैंने सारी डाली थी, तो उसका जो इशू जो आया है मेरे पास जो स्पीकर पड़े हैं तो यहाँ पर तो मुझे क्लियर आवाज़ आ रही है, तो मैंने उस हिसाब से एडिट कर ली। तो जब मैंने देखा मोबाइल वगैरह पे चला के, तो मेरे भाई ने और दीगर दोस्तों ने शिकायत की है कि भाई आवाज़ नहीं आ रही, तो उसके लिए माजरत है। अब मैं दोबारा उसे ठीक करूँ तो दोबारा चढ़ाऊँ, अगर आप चाहते हैं तो नीचे कमेंट करते हैं कि मैं उसे ठीक करके दोबारा चढ़ाऊँ। तो आज की वीडियो यही तक है, तब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।